वेलकम टू माय चैनल पेज। आज मैं BYC कंपनी का जो बॉल पॉइंट पेन है मैं उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और उसका रिव्यू भी दूंगा और इस पेन का जो खास बात है मैं उसको समझाऊंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा बॉल पॉइंट पेन से शेडिंग करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑर्डिनरी पेन से इसका निब थोड़ा ज़्यादा मोटे होते हैं एंड इससे आपको शेडिंग करने में आसानी होगी। नया पेन से जो इंक है वो निकलता नहीं, पहले आपको थोड़ा सा यूज़ कर लो, उसके बाद आप इस तरह से शेडिंग कीजिए। मैं जिस तरह से हाथों को हिला रहा हूँ आप देख सकते हैं, इस तरह से धीरे धीरे, और जो मैं लाइन खींच रहा हूँ उसमें एक लाइन के पास खींच रहा हूँ, ज़्यादा गैप नहीं दे रहा हूँ। ज़्यादा गैप देने से वो थोड़े थोड़े व्हाइट पेट छूट जाएगा, उससे आपको शेडिंग अच्छा नहीं लगेगा। देख रहे हैं मैं कितना धीरे धीरे करता हूँ, पेन ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते है, धीरे धीरे करिए। और पेन के मुंह में जब इंक ज़्यादा हो जाए तो खाते में किसी जगह में उसको पोंछ लीजिए पेज पे या टिश्यू पेपर से। और ये देखिए ऑर्डिनरी पे जो पेन होते उसका निप बहुत ही शार्प होती है और इससे जो इंक कभी कभी ज़्यादा निकल जाती है, कभी कभी थोड़ा कम निकलता है। अब देखिए ये BYC का किया है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर रहती है, इसलिए ये पेन इतना फेमस है बॉल पॉइंट पेन के लिए। बॉल पॉइंट पेन का जो शेडिंग करते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट इस पेन से ही करते हैं। और ये है सेलो का और एक ऑर्डिनरी पेंसिल मैं घर के पास से ही खरीदा हूँ। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं और BYC का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन से खरीदो तो 20 रुपये के अंदर मिल जाएगा, अगर आप दुकान या पास के शॉप से खरीदो तो मुझे लगता है 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन से खरीदो मैंने 12 पेन 200 रुपये में खरीदा है, तो 20 रुपये से कम हुआ उसका प्राइस। और ये देखिए सेलो का मैं किया हूँ और BYC का, BYC ज़्यादा स्मूथ है, सेलो थोड़ा डार्क है, लेकिन उसमें देखिए उससे ज़्यादा BYC स्मूथ टेक्सचर ला रहा है, इसलिए सेलो से ज़्यादा मैं BYC अच्छा लग रहा है। और BYC का नीब मोटे होने की वजह से आप आसानी से कर पाओगे। और ये देखिए शेडिंग का ये एक लाइन है, देखिए दोनों तरफ मोटे है, ये ऐसे नहीं करते ऐसे, और जिगजैग जो लाइन है जिगजैग नहीं करते, जिगजैग करने में स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। आपको एक लाइन खींचने के बाद पेन को उठा लेना है, फिर एक लाइन खींचना है। देखिए जिगजैग करने से उतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा, आपको एक लाइन खींचने के बाद फिर से पेन को उठा लेना है और दूसरा लाइन खींचना है। मैं हर बार पेन को उठा रहा हूँ और दूसरी तरफ से लाइन खींच रहा हूँ, जिस स्मूथ टेक्सचर आ रहे है, अगर मैं जिगजैग करता रहूँ तो इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। आप BYC पेन से हल्की जगह होकर कीजिए और दूसरे पेन से आप जैसे सेलो का पेन है, मैं डार्क एरिया कर रहा हूँ क्योंकि सेलो के पेन से आसानी से डार्क एरिया आ रहा है, इसलिए मैं सेलो के पेन से ही डार्क एरिया कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, BYC अभी नया है इसलिए ऐसा हो रहा है। BYC पेन थोड़ा यूज होगा तो ऐसा स्मूथ हो जाएगा और आप इससे ही डार्क एरिया कर सकते। और मैं जो बोल रहा था निब में अगर काली ज़्यादा हो गया तो आप खाते पे और टिश्यू पेपर पे किसी भी जगह पे उसको पोंछ लीजिए, इससे आपका शेडिंग में काली नहीं गिरेगा। एंड ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसमें बोला हूँ और मैं दूसरे जो ड्राइंग का वीडियो ला रहा हूँ, संडे को ला रहा हूँ, उसमें मैं पेन से ही शेडिंग करूँगा। और मैं ये फास्ट तो नहीं बोलूँगा, मैं पहले किया था एक ड्राइंग पर ये सेकेंड ड्राइंग है, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया हूँ बट उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस में पिक्चर ड्रॉ नहीं किया, मैं जिस तरह से मैं एक के बाद एक लाइन खींच रहा हूँ उस तरह से एक लाइन खींचता रहा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं संडे को ड्राइंग का जो वीडियो आऊँगा आप लोग देख लेना, उस पर पेन से ही मैं शेडिंग करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।